सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि जो पेमेंट गेटवे है, हम वो बेसिकली एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है या एक थर्ड पार्टी सर्विस है. और थर्ड पार्टी से मुरादी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैजेंटो का फॉर एग्जांपल जो ई कॉमर्स स्टोर है उसको मैंने खुद से कॉन्फ़िगर किया, लाइव पे कॉन्फ़िगर कर लिया या लोकल होस्ट पे कर लिया. अब हमें ये पता है कि अगर मैंने अपने ई कॉमर्स स्टोर में पेमेंट की सर्विस लेके आनी है तो मुझे किसी थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, यानी किसी बैंक से बात करनी पड़ेगी या किसी टेलको से बात करनी पड़ेगी, लाइक इजी पैसा है कैसे मुझे टेलनॉर से बात करनी पड़ेगी एंड सो ऑन. और उनका जो सोल्यूशन होगा वो हम लोग अपने शॉपिंग कार्ट में एम्बेड करते हैं. अब जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर कभी भी डायरेक्टली हम अपने एंड यूज़र के पास नहीं लेके चले जाते. मतलब हर सॉफ्टवेयर के अंदर उसका टेस्टिंग का एक फ़ेज़ होता है. और टेस्टिंग के फेज़ से मुराद ही होती है कि डेवलपर्स ने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, अब उसको टेस्टर्स हैं जो कि उसको डिफरेंट उसके केसेस या डिफरेंट उसकी वेरिएशंस को टेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हम अपने कस्टमर्स के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल करें और वो सॉफ्टवेयर वो काम ही ना कर रहा हो जो उससे एक्सपेक्टेड है. मतलब एक होती है टेस्ट एनवायरनमेंट, एक होती है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. जो पेमेंट गेटवेज हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सर्विस है तो इनको भी हमें वैसे ही टेस्ट करना पड़ता है जैसे हम लोग अपने डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर को करते हैं. मतलब जो पेमेंट गेटवे है उसकी जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट होती है उसको हम लोग सैंडबॉक्स बोलते हैं. मतलब जो सैंडबॉक्स होता है दे इंक्लूड द कंप्लीट पेमेंट ट्रांजैक्शन. मतलब ये है कि एक ऐसी एनवायरनमेंट है जो कि आपकी लाइव एनवायरनमेंट का क्लोन है, यानी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है यानी लाइव एनवायरनमेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लोथिंग ब्रांड डॉट नेट की एक वेबसाइट कॉन्फिगर की थी, वो हमारा एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट था, उसका क्लोन यानी उसकी कॉपी. अगर हमें पेमेंट गेटवे जो प्रोवाइडर है हमारे केस में इजी पैसा वाले, वो हमें उसके एनवायरनमेंट दे देंगे जिसको हम लोग टेस्ट एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो टेस्ट एनवायरनमेंट हमें वो सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा जो कि हमें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चाहिए है. हमें टेलनॉर से क्या चाहिए, हमें इजी पैसा से क्या सर्विस हमें चाहिए, हमें उससे ये सर्विस चाहिए कि जो क्लाइंट का जो क्रेडिट कार्ड नंबर है और जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो सके, उसको एक ईमेल जनरेट हो जाए कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया है अगर उसका क्रेडिट कार्ड वेरीफाई हो गया है, या इन एनी केस अगर उसका क्रेडिट कार्ड नंबर फेल हो रहा है तो उसको फिर एक ईमेल चली जाए. तो ये हमें सर्विस प्रोडक्शन पे चाहिए, लेकिन ये सर्विस हमें टेस्टिंग एनवायरनमेंट में भी वेरीफाई करनी है बिफोर वी गो लाइव. तो एक ऐसी एनवायरनमेंट है सैंडबॉक्स जो आपको लाइव एनवायरनमेंट का की फंक्शनैलिटी यानी उसकी जो डमी फंक्शनैलिटी है वो आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की डमी फंक्शनैलिटी आपको आपके टेस्ट एनवायरनमेंट में दे देती है. तो ये बेसिकली सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट है. इजी पैसा भी आपको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट देती है, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. जैस कैश वो भी आपको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट देती है, पेनियर भी देती है, एचबीएल भी देती है. तो मैं ये चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है सैंडबॉक्स का. तो आई जस्ट थॉट कि हम इसको एक बार ही डिस्कस करें. अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट यूआरएल्स नजर आ रहे हैं, ये कुछ आईपी एड्रेसेस हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहला मर्चेंट यूआरएल है. अब ये हमें टेलीनॉर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस हमें टेलीनॉर वाले देते हैं, 202.69.8.50 एंड सो ऑन. उसी तरह अगर हम कोई प्लगइन यूज कर रहे हैं तो उसका एक एनवायरनमेंट है. ये जो मैं आपको यूआरएल दिखा रहा हूं ये सिर्फ सैंपल के लिए है, और ये हमेशा टेलीनॉर वाले, इजी पैसा वाले या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर उन यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है इजी पैसा की फॉर एग्जांपल हमारे केस में सर्विस लेने के लिए, और उनकी जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की होती हैं. और जो ये आईपी एड्रेसेस हैं ये फिर जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होता है, फॉर एग्जांपल मेरी शॉप है, मैंने इजी पैसा वालों को कहा कि जी मैंने इजी पैसा की सर्विस इंटीग्रेट करनी है, तो अकाउंट ओपन करते वक्त जो मैंने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होगा उस ईमेल एड्रेस पे मुझे ये सारी कम्युनिकेशन चल रही होगी. इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यू एक्चुअली नीड सम अ गाय विद मोर टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कोडिंग इन्वॉल्व है. अगर आप सेकंड लास्ट फॉर एग्जांपल यूआरएल देखें तो उसमें
WSDL URL for Open API भी है. अब API का concept वही है जो Facebook में था. तो the whole idea of showing you this IP address is ये Sandbox environment की IP addresses हैं. ये आपको सारी वो functionality complete करने में मदद करेंगे जो आपको live environment में चाहिए. तो this is actually your a test server जो आपको EasyPaisa ने provide किया है ताकि आप payment से related जो भी functionality है आप verify कर सकें.